सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने MS Word के डॉक्यूमेंट पे हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं और हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कैसे करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू हिट द लाइक बटन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो अब हम आ गए हैं होम पेज पे, MS Word के होम पेज पे हम आ गए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह हम सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले लेट मी सेव द फाइल और लेट मी सेव द डॉक्यूमेंट फर्स्ट। सो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस एस हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हम सेव करते हैं इसको, डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं कंप्यूटर के नाम से, CUMPUTER पहले से ही है तो कंप्यूटर वन कर देते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर वन के नाम से हमने ये डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है। अब हम इस पर काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई विल राइट वन फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम वो लिखते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे ए टू प्लस बी टू। तो लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली साइज हमने इंक्रीज कर दिया है यहाँ पे। अब नॉर्मली हम ए टू प्लस बी टू लिखे हैं लेकिन ए तो टू तो ए के ऊपर जाना चाहिए और बी भी आपका सॉरी टू भी जो है आपका वो बी के ऊपर जाना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसे करने के लिए हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर टू को हमें सेलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ माउस और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। हमें सेलेक्ट करने के बाद हमें होम के ऑप्शन में फॉन्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे साफ साफ क्लियरली यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक्स बेस टू एंड एक्स स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है दैट इज नोन एज सुपर स्क्रिप्ट। सुपर यानी ऊपर, इसको आप वेरी इजीली याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल ट्रिक। तो सुपर है वो ऊपर है और उसका अपोजिट ऊपर का नीचे हो जाएगा, दैट इज सबस्क्रिप्ट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा जो टू है वो ए के ऊपर चला गया, दैट इज स्क्वायर पे चला गया। इन सेम केस हम इस टू को भी सेलेक्ट करेंगे और वापस से सुपर स्क्रिप्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज दिस इज नोन एज द सुपर स्क्रिप्ट। तो अभी सुपर एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट हम स्पेस बार दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका सुपर स्क्रिप्ट में ही ये काम करेगा। इसलिए हमें जब ये हमारा काम हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने का तो हम इस पर्टिकुलर बटन को यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो आपका कर्सर देखिए वापस से फुल उस पर्टिकुलर लाइन पे आपका ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद अब हम देखते हैं कि सबस्क्रिप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट के लिए बेस्ट है आपका कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं, H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो हम इसको ले लिए। अब टू बेस में आना चाहिए लेकिन टू H के बगल में आ रहा है तो हम टू को सेलेक्ट करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ माउस और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। सेलेक्ट करने के बाद ठीक वापस से हम होम के ऑप्शन में फॉन्ट के टैब में यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा सबस्क्रिप्ट का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो टू है वो H के बेस में चला गया यानी H2O। सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू यूज द सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ये तरीका है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज करने का। अब हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन यूज करने के लिए हम एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, दैट इज राम इज ए गुड बॉय। सो राम इज ए गुड बॉय हमने यहाँ पे लिख दिया कि राम इज ए गुड बॉय। अब इनकेस इसी तरह राम इज ए गुड बॉय हमने 50 पन्ने में या 50 पेज का जो डॉक्यूमेंट हमने रेडी किया है उस 50 के 50 पन्नों में हमने हर जगह यही लिखा है कि राम इज ए गुड बॉय, सब जगह यही लिख दिया है। तो हमें इनकेस अगर राम की जगह हमें कोई दूसरा वर्ड या दूसरा नाम वहाँ पे लिखना हो तो इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू गो ऑन ईच एंड एवरी 50 पेजेस। हमें हर एक 50 पेज पे जाना है और फिर राम की जगह कोई भी दूसरा नाम हमें लिखना है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास MS Word में एक सोल्यूशन है एंड दैट इज़ नोन एज फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे हमारे सामने एक टैब ओपन हो जाएगा और वो टैब का नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। इस फाइंड एंड रिप्लेस में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास फाइंड वॉट और दूसरा है रिप्लेस विथ। तो फाइंड वॉट में हमें वो ऑप्शन लिखना है जो हमने पहले से ही इस सेंटेंस में यूज़ किया, दैट इज़ राम इज ए गुड बॉय। तो अब राम का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे फाइंड वॉट में, हम लिखेंगे R A M, राम हमने लिख दिया।
उसके बाद हमको रिप्लेस करना है। अब राम का नाम हमको किस नाम से रिप्लेस करना है हमें वो लिखना है। हम राम की जगह लिख देना है श्याम, SHAYAM। हमने श्याम लिख दिया राम की जगह, उसके बाद हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दैट इज़ रिप्लेस ऑल। अच्छा, इसमें आपको दो ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। इसमें दो रिप्लेस क्यों दिया है इसको हम समझा देते हैं। पहला रिप्लेस जो ऑप्शन है वो उसके लिए है जहाँ पे आपका कर्सर है, जिस भी पेज पे आपका कर्सर रहेगा वह एक से लेके 50 तक के बीच में। सपोज आपका कर्सर है 15वें पेज पे, 15th पेज पे आपका कर्सर है, तो खाली 15th पेज पे ही, 15 नंबर वाले पेज पे ही जहाँ जहाँ राम यूज़ किया गया होगा वहाँ वहाँ श्याम हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो एक से लेके 50 तक हर एक पन्ने पे जहाँ जहाँ राम होगा वहाँ वहाँ श्याम हो जाएगा। हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं, एक मैसेज आ गया हमारे पास, वर्ड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड वन रिप्लेसमेंट, कंग्रेचुलेशंस। ओके पे क्लिक करेंगे हम, इसको क्लोज करेंगे। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा राम की जगह क्या हो गया, श्याम। सो दिस वॉज द ऑप्शन हाउ टू यूज फाइंड एंड रिप्लेस। सो इतना होने के बाद अब हमें द लास्ट हमें टॉपिक देखना है, वो है हमारे पास कि किस तरह हम इस पर्टिकुलर कंप्यूटर वन के फाइल को, जो डॉक्यूमेंट हमने सेव किया है कंप्यूटर वन के नाम से, इसको हम किस तरह पासवर्ड प्रोटेक्टेड हम रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा प्रिपेयर का। इस प्रिपेयर के ऑप्शन पे हमारे पास एक क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन आएगा एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। एनक्रिप्ट का मतलब होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और इसका एनक्रिप्ट का उल्टा होता है डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट का मतलब होता है उस पासवर्ड को जब हम हटा देते हैं, डिकोड कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज डिक्रिप्शन। एंड जब उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं दैट इज़ नोन एज एनक्रिप्शन। तो इस एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा है एनक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। तो इस हम लिखा है पासवर्ड, हम यहाँ पासवर्ड लिख दे रहे हैं, सिंपल पासवर्ड हम डालते हैं अभी 01234 5, हमने डाल दिया 01234 5, यहाँ पे हमारा पासवर्ड है। हाँ, लेकिन इसके नीचे साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कॉशन, अगर आप इस पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल का अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो दोबारा ये रिट्रीव नहीं हो सकता, यानी ये फाइल दोबारा वापस से नहीं आ सकती है, आपको फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप कोई भी फाइल नेम पे जब भी आप पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो उसे एक डायरी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं, हम ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैसेज आ गया कि अगेन री एंटर द पासवर्ड। तो हम वापस से वही डालना है 01234 5, हमने डाल दिया दो बार पासवर्ड, ओके कर दिया। अब हमारा ये पर्टिकुलर फाइल जो कंप्यूटर वन के नाम से है वो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। इसे हम क्लोज करते हैं, यस ओके। हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट कंप्यूटर वन डॉक, कंप्यूटर वन की फाइल है। जब उसे ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एंटर द पासवर्ड, दैट पासवर्ड इज 01234 5, और हमारी फाइल ओपन हो गई। सो दिस वॉज द वे हाउ वी आर गोइंग टू use the password in your file. Hope you like the video. अगर ये video पसंद आया हो तो please channel को subscribe करें और like करना ना भूलें. Thank you so much.